तो ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। कार है तो ये आगे बैठेगा उनका स्टेच्यू। तो ये कैसा ज्योतिर्लिंग? टी शर्ट शर्ट बनियान अंदर पहन के नहीं जा सकते, बहुत ही खराब रूप था। हाय गाइज, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज 13th of December, कल यानी कि 14th को हम लोग निकलने वाले हैं उज्जैन के लिए। लातूर से उज्जैन जाने वाले हैं हम लोग। मेरे साथ होंगे मेरे फ्रेंड्स। बज गए रात के 11:30। तो अभी आपको बताता हूँ कि कैसे कैसी पैकिंग कर रहा हूँ मैं। तो इतना सारा पसारा इधर हो गया है मेरे बेड पे, ठीक है। इसमें टॉयलेटरीज क्लोथ आएंगे, इसमें अपना चार्जर केबल वॉलेट इसमें रख दूंगा। हमारा जो प्लान है वो है सुबह में 4 बजे निकलना लातूर से। तो इस कंपार्टमेंट में टी शर्ट शर्ट एक जीन्स की पैंट एक ट्राउजर रख दी और एक टी शर्ट रख दिया और जो फ्लीस जैकेट है वो भी इसमें ही रख दिया। इस तरीके से बैग पैक किया है। यहाँ पे टॉयलेटरीज है, यहाँ पे एक चश्मे की केस रखी है, इनकेस केस रखी है, यहाँ पे सब इनर्स वगैरह है, टॉवल भी है। जे 4 और सब लोग निकल चुके हैं, मतलब सब लोग आ गए हैं, अभी निकलना बाकी है तो निकलते हैं। सबको मिलाता हूँ अभी आपको। आदित्य भी आ रहे हैं साथ में, ये इससे नहीं मिले आप, ये महेश सर। सागर भी आने वाला है तो उससे भी मिलाऊंगा आपको। इसने दूसरी गाड़ी बुक कर ली भाई, ये देखो ये सुमुख है, इसकी कार है तो ये आगे बैठेगा, ये छोटा है इसलिए पीछे बैठेगा। सो इनिशियल जो हमारा रूट था वो था लातूर से छत्रपति संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर में घृष्णेश्वर टेम्पल भद्रा मारुति वहां पे दर्शन करना, 2 टेम्पल का। उसके बाद धुले, धुले से उसके बाद सेंधवा, सेंधवा से इंदौर और इंदौर के बाद उज्जैन। ये हमारा इनिशियल रूट था। बट साइमल्टेनियसली प्लान हुआ कि हम लोग परली वैजनाथ से चले जाए, तो परली वैजनाथ में हमने दर्शन लिया। उसके बाद हम लोग वैसे ही आगे चले गए ये रूट से। तो ये जो रूट था वो काफी अंडर कंस्ट्रक्शन था, बहुत ही खराब रूट था। बीच में से हम लोग मांजोसुम्बा निकल गए और मांजोसुम्बा से अपना जो रेगुलर रूट है वही किया। तो अभी आए हैं हम यहाँ पे जो परली का मंदिर है, परली वैजनाथ। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो ये मंदिर की एक ऐसी मान्यता है कि रावण जब वापस जा रहा था तपस्या करके शिव जी की लंका, तब गलती से उसने वो जो उसके साथ शिवलिंग था वो ड्रॉप कर दिया और वो परली वैजनाथ में ड्रॉप हो गया, मतलब परली में ड्रॉप हो गया और यहाँ पे इसका टेंपल बन गया, एक ऐसी मान्यता है। और ये जो टेंपल है वो इस्लामिक इन्विजन्स में बहुत बार तोड़ा गया है और इसको बहुत बार रिनोवेट भी किया है, और अहिल्या देवी बाई होलकर ने रिसेंटली मतलब 17th century में रिनोवेट किया था ये टेंपल, इसलिए उनका एक स्टेचू भी इंस्टॉल किया गया है वहाँ पे। और एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया, तो ये एक ऐसा ज्योतिर्लिंग मंदिर है जिसमें आप अंदर तक जा सकते हैं, यानी मराठी में गाभारा बोलते हैं, जो गर्भ बोलते हैं हिंदी में, तो आप गर्भ तक जा सकते हैं मंदिर के और शिवलिंग को अभिषेक कर सकते हैं और इवन शिवलिंग को टच भी कर सकते हैं। इसके पीछे बहुत से लोकल्स ने मुझे बताया कि मेडिसिनल वैल्यू भी है, जो वो शिवलिंग है वो इट हैज सम मेडिसिनल प्रॉपर्टीज एज वेल। तो ये मंदिर का उल्लेख 7th century में एक चाइनीज ट्रैवलर ने भी उसके बुक में किया है, तो काफी पुराना मंदिर है ये। अभी हम लोग गेवराई के पास है, मतलब जो अपना छत्रपति संभाजी नगर है उसके पास है। बी परली वैजनाथ से यहाँ तक का जो रोड था ना, थोड़ा ओके था, खराब था, अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट अभी से ये जो रोड है वो सब हाईवे है। सो अभी घृष्णेश्वर जाएंगे। तो नाश्ता करने के बाद हम लोग चले गए घृष्णेश्वर टेम्पल, जो कि है एलोरा के पास, जो आता है संभाजी नगर डिस्ट्रिक्ट में। तो घृष्णेश्वर टेम्पल की हिस्ट्री ऐसी है कि जो देवगिरी माउंटेन है वहाँ पे एक ब्राह्मण फैमिली रहती थी, तो उसका वो ब्राह्मण का नाम था सुधर्मा और उसकी एक वाइफ थी उसका नाम था सुधया। सो उनको अनफॉर्चुनेटली बच्चे नहीं हो रहे थे, सो सुधया को एक सिस्टर भी थी उसका नाम ग्रुष्मा था। तो सुधया ने उसके हस्बैंड को ये रिकमेंड किया कि उसके बहन के साथ वो शादी कर ले, यानी ग्रुष्मा के साथ शादी कर ले। और ग्रुष्मा जो थी वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी, सो उन्होंने शादी की। उसके बाद रोज सुबह जो ग्रुष्मा है वो एक शिवलिंग बनाती थी और उनके घर के बाजू में ही एक वेल था, वेल या पॉन्ड बोल सकते हैं आप, वहाँ पे वो अर्पण करती थी। इवेंचुअली उनको एक बच्चा हुआ और वो बड़ा हो गया। उसके बाद जो सुधया थी उसको थोड़ी जेलसी होने लगी, तो उसने वो बच्चे को मारा और उसकी बॉडी वही पॉन्ड में डाल दी। तो नेक्स्ट डे जब ग्रुष्मा एज यूजुअल
अर्पण करने गई शिवलिंग, तो वहां पे उसका बच्चा वो वेल से बाहर आ गया, तो उसके साथ शिव जी भी बाहर, और उन्होंने वरदान पूछा ग्रुष्मा को कि क्या आपको मैं वरदान दे सकता हूँ। तो ग्रुष्मा ने ये नहीं कहा कि मुझे बदला वगैरह लेना है कुछ, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे रहिए और जो यहाँ के आजू बाजू के लोग हैं उनको हेल्प कीजिए। सो यहाँ पे एक मंदिर हो गया और उस ग्रुष्मा की वजह से ग्रुष्णेश्वर नाम पड़ गया इस जगह का और ये मंदिर का। अगेन ये मैंने पढ़ा है विकिपीडिया में, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो अनफॉर्चुनेटली टेम्पल के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, सो आपको मोबाइल बाहर ही रखना पड़ेगा या फिर वहाँ पे काउंटर भी है वहाँ जमा कर सकते हो। मेल्स के लिए आप टी शर्ट शर्ट बनियन अंदर पहन के नहीं जा सकते, आपको रिमूव करना पड़ेगा। अगेन वहाँ पे फैसिलिटी है, वहाँ पे आप रिमूव करके दे सकते हो और वापस दर्शन होने के बाद कलेक्ट भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और आगे के जो ये सीरीज में के वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और मेरे मेन चैनल को जो कि गीकी डेंटिस्ट वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए और ये चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बी सेफ। अभी हम लोग आए हैं एलोरा केव्स, ऐसा टेम्पल है जहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति लेटी हुई है, यहाँ पे पत्थर उड़ा था।